मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं के द्वारा लगातार दल बदले जा रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर के वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन को कांग्रेस ने विधानसभा 4 से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, जिसके जवाब में सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि मुझे टिकट का कोई भी लालच नहीं है और मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। इसके साथ ही राजनीति में परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। नया कुछ नहीं हो रहा है। जब जब चुनाव आते हैं तो अभिलाषी प्रत्याशी और उनके द्वारा निर्णित किए हुए नियुक्त किए हुए लोगों के बीच में संघर्ष होना नितांत अपेक्षित होता है। पार्टी किसी प्रेय को टिकट देना चाहती है और उस स्थान पर एक दूसरा कर्मठ कार्यकर्ता आकर के खड़ा हो जाता है। यदि वो कर्मठ कार्यकर्ता अपनी जनचेतना को और अपनी जनभावना को और अपने जनसंपर्क को सुव्यवस्थित बताते हुए उस योगदान दिए, पार्टियों में जो घमासान होता है वो टिकट को लेकर के ही होता है और उसमें पारस्परिक वैमनस्य भी बढ़ जाता है। वो एक इकाई और दूसरी इकाई के बीच की का द्वंद्व होता है। रहा प्रश्न टिकट के संदर्भ में विचार करने का, तो अंतिम निर्णय तो संगठन का ही होता है और उस संगठन के निर्णय को ध्यान में रखते हुए लड़ने वाले जो लोग हैं अगर उसे मान्य कर लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा बगावत है। सरकार बनाने की पड़ी हुई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी सरकार बनाना चाहती है, अपने विचारों को प्रतिपादित करना चाहती है, पुष्ट पोषित करना चाहती है। ऑफर देना और स्वीकारोक्ति देना दो अलग अलग बात। जो लाभ की दृष्टि से विचार बेच करके अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में केवल पदाभिलाषा से जाते हैं, ऐसे लोग ना तो सेवक होते हैं, ना राष्ट्र की चिंता करते हैं, ना उनको अपने संगठन की चिंता होती है। ना राष्ट्र की चिंता, ना संगठन की चिंता, राष्ट्र और संगठन के माध्यम से अपने आप की चिंता, ऐसे लोगों का आवागमन होता है। जो निष्ठावान और नैष्ठिक कार्यकर्ता होते हैं वो अपने संगठन के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के अपने संगठन को यशस्विता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर होते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जी, मेरे पास में एक सज्जन आए थे जो कमलनाथ जी के अत्यंत निकटस्थ और उनके प्रिय पात्र के साथ साथ उनके निजी सचिव का दायित्व भी रखते हैं। छिंदवाड़ा से ही वो उनके संदर्भ में, छिंदवाड़ा पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। ये मेरे पास में आकर के उन्होंने कहा कि हमने सर्वे कराया 4 नंबर में आपके नाम का, और आपके नाम के सर्वे कराने के पश्चात हमें ये रिजल्ट मिला है कि हम आप वहाँ से जीत सकते जीतेंगे और ऐसी स्थिति में हम यारी ये कामना है कि आप भारतीय जनता पार्टी का परित्याग करके कांग्रेस को ज्वाइन कर लें। मेरा उत्तर था उनसे कि भैया आपका बिल्कुल ठीक विचार है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1952 में जब जनसंघ बना था तब से लगा करके अभी तक उस पार्टी को छोड़ कर के अन्य किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। अब इस समय आप आकर के कह रहे हैं तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। सोचना होगा तो मेरी पार्टी सोचेगी मेरे बारे में है, और नहीं सोचे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मेरी पार्टी में भी आपाधापी चल रही होगी और श्रेय और प्रेय की राजनीति चल रही होगी तो वो नहीं सोचेगी, और अगर उसको कुछ सोचना है, उसे अनुभव वाले लोगों को सोचना है या नए लोगों के बारे में सोचना है तो वो पार्टी का सोच, मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं। पर मैं पार्टी बदल करके आपके यहाँ केवल टिकट के लिए आऊँ, मेरी मानसिकता तो बरसों से जो भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है वो एक दिन में परिवर्तित होकर के आपकी विचारधारा में हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता नहीं। क्योंकि जो आदमी सतत एक विचारधारा के साथ यात्रा करता करता अपने 70 वर्ष व्यतीत करे, वो 7 मिनट में अपनी विचारधारा बदल करके और दूसरी पार्टी का टिकट लेकर के उसका हो जाए, ऐसे वो भले हो जाए तो उसके स्वार्थ के लिए होगा, संगठन और समाज के लिए नहीं होगा, राष्ट्र का चिंतन नहीं होगा उसके पास, समाज का चिंतन नहीं होगा उसमें, उसका एक ही चिंतन होगा आत्मसुख का।
वो आत्म सुख का चिंतन में नहीं रखता। अगर मैं आत्म सुख का चिंतन रखता तो उनकी बात को स्वीकार कर लेता, चला जाता, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता, सब वही करते, मेरे को तो केवल हाथ ही जोड़ना पड़ते है। लेकिन हाथ जोड़ते समय जब मेरे अंतर मन का बैठा हुआ कार्यकर्ता जब मुझे धिक्कारता, जब मेरी अंतरात्मा में क्लेश पैदा हो जाता कि बरसों की यारान्य को छोड़ करके तुमने ये जो दल बदल किया है, ये जन छल भी है और आत्म छल भी है, ऐसा सुख नहीं चाहता मैं। सर मानली गौड़ जी का आपको बोलती है कि 4 नंबर से आपको लड़ना है, तो किस तरीके की तैयारी रहेगी फिर आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर सोच है, मैं उसका सिपाही हूँ और वो कोई निर्णय लेकर के मुझसे कहती है, मुझ कार्यकर्ता की दृष्टि से मुझसे कहती है, तो मुझे उसका पालन करना है। मैं अनुशासनवान एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की यहाँ पर गतिविधि अनुचित लगती है, उसके खिलाफ मैं मुखर होकर के बोल देता हूँ। अगर पार्टी कहीं पर मुझे अपनी योग्यता के अनुसार कहीं फिट करती है, तो उस संघर्ष करने से मुझे इनकार नहीं है। मैं आया क्यों पार्टी में? इस पार्टी में जनसंघ के जमाने से अभी तक जो मैं संघर्ष करता हुआ आया हूँ, तो केवल इसीलिए आया हूँ कि राष्ट्रवादिता का जो भाव अंतर मन में है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की भावना लेकर के जो हम आए, समाज सेवा की भावना लेकर के आए हैं, तो वो बिकाऊ थोड़ी है बेटा। परिवारवाद को लेकर भी पार्टी में एक विरोध देखने के लिए मिल रहा है। अब ये परिवारवाद को लेकर के अभी आपने 4 नंबर का प्रश्न किया, 4 नंबर का कार्यकर्ता और 4 नंबर में बैठे हुए लोग, उनकी मानसिकता में ये भावना आ गई कि निरंतर 30 साल से एक ही परिवार वहाँ पर सत्तासीन है, विधानसभा में जा रहा है, तो परिवारवाद के खिलाफ जा रही है बात, पार्टी कह रही है बात, तो कार्यकर्ता भी बोलने लगा। इसके पहले कार्यकर्ता भी नहीं बोलता था, काम चल रहा था। अब नए परिवेश में कुछ नए कार्यकर्ता भी आए, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए, वो भी अवसर की तलाश में है। तो सामूहिक रूप से उनका जो विरोध था या जो स्वर था या जो मांग थी, विरोध स्वर मांग, उन्होंने पार्टी के सामने रख दी कि बहुत हुआ, अब बदल दो। 4-4 बार एक आदमी बैठा हो तो उसकी अपनी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर ही आवाज़ आ गई। लेकिन सर ऐसा नहीं कि एक तरफ तो बीजेपी बोलती है, कांग्रेस आप देख लीजिए, जैसे कि कैलाश जी के बाद में आकाश जी, इधर मानली गौड़ देख लीजिए, कई ऐसे तमाम नेता है जो परिवारवाद चलते जा रहा है। कैलाश जी हट गए, उनके बेटे आ गए आकाश जी, इसके अलावा तीसरा क्या आया? बाप बेटे दोनों, तो दो बाप बेटे, बाप ने से कार्य शुरू हुआ, पिता से कार्य शुरू हुआ, वो पिता ने संगठनात्मक दायित्व को ग्रहण किया, पार्टी ने उसे संगठन का दायित्व दिया, संगठन का दायित्व दिया तो उसके बेटे को टिकट दिया, बेटा जो है विधायक होकर के अपना काम कर रहा है 3 नंबर क्षेत्र में। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो संगठनात्मक गतिविधियों का अवलोकन करते हुए संगठन को रिपोर्ट दे रहे हैं। दोनों बाप बेटे अपने अपने चरित्र का निर्वहन कर रहे हैं, एक संगठन में निर्वहन कर रहा है, एक शासन में निर्वहन कर रहा है। अगर शासन में जाने की इच्छा कैलाश विजयवर्गीय रखते हैं तो उन्हें अपना बेटा विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टी एक ही टिकट है। तो यहाँ पर कुछ अनुचित नहीं है, ना तो ये वंशवाद है, इसको वंशवाद कह नहीं सकते आप। सर